हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम जानेंगे कि आखिर भारत में शिक्षा में इतनी प्रतिस्पर्धा क्यों है। ओके, व्हाई सो मच कंपटीशन, इतना कंपटीशन आखिर क्यों है। हम ऐसा कंपटीशन अपने जो डेवलप्ड नेशन है, ओके, यूरोप अमेरिका में नहीं देखती है, आखिर भारत में क्यों है। ओके, तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कंपटीशन जनरली कहाँ से आता है। संसाधन से। ओके, संसाधन, तो संसाधन हमारे, मतलब हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं। ओके, तो संसाधन हमारे पास कम भी हो सकते हैं और संसाधन ज्यादा भी हो सकती है, करेक्ट। अब संसाधन कम और ज्यादा किसके बेसिस पर होंगे? पॉपुलेशन के बेसिस पर, करेक्ट। तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर तुम्हारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो संसाधन क्या पड़ेंगे? कम हो जाएंगे, करेक्ट। और अगर पॉपुलेशन कम है तो संसाधन ज्यादा लगेंगे, करेक्ट, संसाधन ज्यादा लगेंगे। तो हमारा जो भारत है, करेक्ट, वहां पर क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और संसाधन पॉपुलेशन के मामले में कम है, करेक्ट। ये एक रिलेटिव बेसिकली चीज है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन के मामले में उतने संसाधन नहीं है, करेक्ट। बच्चे बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उतने कॉलेज ही नहीं है, ओके, उतनी जॉब्स ही नहीं है। तो इसीलिए कंपटीशन, तो जब ऐसा आ जाता है, ओके, जब संसाधन कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या होता है? कंपटीशन की भावना आने लगती है, ओके, कि कौन फर्स्ट जाएगा, कौन निकलेगा। ओके, जैसे हमारे स्कूलों में कौन फर्स्ट आएगा, हर किसी को फर्स्ट आना है, ओके, कोई सेकंड आना ही नहीं चाहता है। कईयों बार देखेंगे कि अपन एक बच्चे के 100 में से 98 आए, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स कम आए। अरे भाई, 98 में तो 3 बच्चे पास हो जाएंगे और उसने सुसाइड कर लिया। तो इतना कंपटीशन का भावना आ चुका है, ओके, लोग 97-98% आने के बाद भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसाधन बहुत ही कम है हमारे पास। तो यहां पर मूल भाव क्या होता है? कंपटीशन, ओके, कंपटीशन, कंपटीशन। अब अगर हम अमेरिका में, और पेरेंट्स भी इस चीजों को प्रमोट करते हैं, ओके, पेरेंट्स भी कि अगर फर्स्ट आ जाओगे तो बहुत अच्छा है, ये है वो है, ओके। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों को भूत बना देती है कि अरे नहीं, तुमको फर्स्ट ही आना है, कुछ भी हो जाए, ओके। तो लेकिन अगर हम डेवलप कंट्रीज में बात करें, वहां संसाधन बहुत है, ओके, और पॉपुलेशन कम है, तो इसका मतलब उनके पास ऑप्शन है। वहां पर स्कूल में फर्स्ट आना या सेकेंड आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। वहां के लोगों का थॉट प्रोसेस है कि आखिर हमको क्लास में एक दूसरे के खिलाफ में क्यों लड़ना है, एक दूसरे के साथ चल के क्यों नहीं कुछ कर सकते, करें। हम कंपटीशन में, भारत में, एक दूसरे के खिलाफ ही लगे रहते हैं। मेरे को फर्स्ट, मेरे को फर्स्ट, मेरे को फर्स्ट। वहां क्या करते हैं लोग? सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, खत्म। और उसका मेन मूल कारण क्या है? संसाधन। वहां संसाधन इतनी ज्यादा है उसका, तो वहां पर इतना ज्यादा फर्स्ट आने का कोई मूल्य नहीं है। मतलब अगर तुम इनोवेशन करते हो, कंपनी खोलते हो, उसका मूल है, लेकिन जो स्कूलिंग में हम जो कंपटीशन करते हैं, करेक्ट, कॉलेजेस में कंपटीशन करते हैं, उसका वहां पर मूल नहीं है। तो होप ये वीडियो तुमको समझा सके कि संसाधन एक बहुत रोल प्ले करता है किसी इकोनॉमी में, कि किस टाइप का मूल डेवलप होगा। ओके, सो धन्यवाद।